नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम एक भिंडी के खेत में हैं और आपको बता दें कि जब आपकी भिंडी काफ़ी लंबी हो जाती है और उसकी टाइम पूरा हो जाती है तो उसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताएंगे। अब देखिए इतनी बड़ी भिंडी हो गई है, एक एक पौधे से कम 90-80 के आसपास तुलाई हो चुकी है, ये पूरी इसकी लंबाई है। और इतनी मोटी भिंडी के पौधे को अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इतनी मोटी हैड हो गई है, इतनी सारी तुड़ाइयाँ भी एक पौधे से हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ये रहा पूरा पौधा, ऊपर जा रहा है अभी तक, ये देखिए। इतने बड़े पौधे को भी अगर आपको निकालना है आसान तरीके से तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। पहले इसमें एक रांप डालते हैं, जुताई करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। जुताई भी चालू है यहाँ पर उसकी, और ऐसे खेत को आपको खाली करना हो तो बड़े आसानी से आप कैसे निकाल सकते हो वो तरीका आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए इसकी जुताई हो रही है रांप से, जो कि गुजरात में उसको लोग रांप बोलते हैं, अन्य जगहों पे अलग अलग बोलते हैं। तो ट्रैक्टर से उसकी पहले जुताई करते हैं, उसके बाद वो नीचे से उसकी जड़ें कट जाती हैं और कटने के बाद बड़े ही आप बड़े से बड़े पौधे को आप देख सकते हैं। इसको बड़े आसानी से आप ऐसे ही करेंगे और ये निकल जाएगा। जुताई के बाद ये रांप लगाने के दो से तीन दिन बाद सूखने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसको बड़े आसानी से चाहते से निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने मोटे मोटे पौधे हैं और सबकी जड़ नीचे से कट चुकी है निश्चित रूप से, और ऐसे ये निकल जाएगा। ये रहा, और इसकी जुताई कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे चल के। जैसे ये पूरी बाड़ी पूरा खेत आपको दिख रहा है, ये इसमें पूरी इसके रांप से जुताई हो गई है, और इसको निकालना है बस उठा उठा के। दो दिन ये सूख जाएगा, उसके बाद बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी भिंडी की झाड़ है ये। और आइए आपको, चलिए आपको दिखाते हैं कि इसकी जुताई कैसे की जाती है रांप द्वारा, भिंडी के बड़े बड़े पौधों के बीच में भी कैसे जुताई हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से रांप से कटिंग हो रही है, देखिए ट्रैक्टर से होती है, और इसके नीचे हल होता है, उसके नीचे एक रांप होता है, पतली सी पट्टी जैसा होता है, जो नुकीला होता है बिल्कुल धारदार, उससे इसकी जड़ें कट जाती हैं। आप देख सकते हैं ये रहा, इससे इसकी जड़ें काट दी जाती हैं, जिससे उठाने में आपको बहुत ही आसानी हो जाती है। देखिए आपके सामने ये सभी, अभी आपके सामने ये दिख रहा है, ऐसा सारी भिंडी के पौधे गिर गए हैं, और इसको हम अभी उठा के आपको दिखाते हैं। ये इतना लंबा पौधा है ये वाला, और आप देखिए इसको कैसे कटिंग हुई इसकी, इसकी जड़ें, ये बिल्कुल खड़ा है, लेकिन अगर हम इसको भी निकालेंगे ऐसे तो इसकी जड़ें निकल गई हैं। आप देख सकते हैं ये रहा, बहुत ही आसान तरीका है, और जिससे किसान भाइयों को खेत को साफ़ करने में बहुत आसानी हो जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी जुताई करते हैं। ये रहा रांप, आप देख रहे हैं जो मैं बोल रहा था। ये रहा रांप, बिल्कुल नीचे नुकीला नुकीला भाग है, इतनी बड़ी बड़ी भिंडी की झाड़ हो गई है कि इसके जड़ों को काटना भी ट्रैक्टर के लिए मुसीबत पड़ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने खेत की सफाई कर सकते हैं, और ये रहा आपका पूरा खेत, आप देख सकते हैं पूरी भिंडी कटिंग हो गई है। बस दो दिन के बाद जैसे ही सूख जाती है थोड़ी ज़मीन और, तो आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, देखिए पूरी खेत अभी एक बार और बचा है, एक राउंड में ख़त्म हो जाएगा, दो राउंड में। ये है रात।